विलन्स। जी जी हमने आपकी बात सुन ली है। न्यू ईयर पार्टी में आपके यहाँ पे कहा सुनी हुई, अच्छा झगड़ा हुआ, अच्छा मारपीट हुई, मगर एक बात बताइए, फूफा मौसा के झगड़े को दंगा थोड़ी ना कहते हैं। ये तो घरेलू कहा सुनी की बात हो गई ना। हाँ तो आपके घर के पास जो थाना है ना, वहाँ हमने इत्तला कर दी है, वो बस पहुँचते ही होंगे। ठीक है जी जी, धन्यवाद आपको भी, हैप्पी न्यू ईयर। जी जी जी, तो पिछला 2 महीना से पूरा शहर में सरकार इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाई है, मोबाइल पर, टीवी पर, हर जगह चिल्ला चिल्ला की विज्ञापन दिया जा रहा है कि शराब पीकर गाड़ी मत चलाइए, नया साल का समय है, दुर्घटना हो सकता है। लेकिन नहीं, हमको कहाँ सुनना है, हम तो पिएंगे चलाएंगे, ठोक दिए ना गाड़ी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपका हाथ पैर सलामत है, तो लहराते हुए पहुंचते अस्पताल में, आप भेजते मदद, हैप्पी न्यू ईयर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस है यहाँ पे आपकी मदद के लिए। बस 5 मिनट में पेट्रोलिंग टीम आपके घर के सामने पहुंची और वो जितने भी शराबी शोर मचा रहे हैं ना, उन्हें भगा देगी। अब बिल्कुल भी मत घबराइए जी। धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर। यार ये तुम लोगों की पुलिस की ड्यूटी, पूरा देश बाहर नया साल मना रहा है और आप यहाँ ड्यूटी पे लगे हो। बिल्ले हम ड्यूटी कर रहे हैं इसलिए लोग नया साल मना रहे हैं, इसी भरोसे को तो पुलिस कहते हैं। करेक्ट मां, करेक्ट, एब्सोल्यूट करेक्ट। करो करो ड्यूटी करो। हैं क्या हुआ, परेशान लग रही हैं आप? तो नहीं होंगे क्या, ये छोटी छोटी उम्र के छटाक छटाक पिद्दे पिद्दे बच्चे जिनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं, वो दारू पीने चले हैं ना। मतलब हमें समझ में नहीं आता है, इनके माता पिता इनको कुछ बोलते नहीं है कि लगाते नहीं है कि इनके मुंह पे कंटा, या बिल्कुल ही खूटे से उखड़े पड़े हैं सब की सब यहाँ पे। आज हमें मैडम सर की बहुत याद आ रही है, वो अगर होती ना तो ये सब होता ही नहीं, वो पहले से तैयारी करके रखती आज की सुरक्षा नियमों की। पहले से तैयारी तो हमने भी करके रखा था पुष्पा जी, लेकिन अब सही कह रही है मैडम सर जो है ना, वो इन सब स्थितियों को संभालने में ज्यादा सक्षम है। हम जितना मर्जी कोशिश कर लेकिन उनकी तरह सूझबूझ हमारे अंदर नहीं आ सकता है। कैसा होता है ना पुष्पा जी, नहीं हमको हमारे सीनियर की तरह बनना होता है, और जब हमारे सीनियर की जगह हमको मिलती है तब हमको समझ में आता है कि जो सीनियर है वो सीनियर ही होता है, वो हर मामले में हमसे सक्षम होता है, हमसे आगे होता है। हमें भी बहुत याद आ रहा है मैडम सर का आज। मैडम सर को मिस तो मैं भी कर रही हूँ, अगर मैडम सर अभी यहाँ होती ना तो काम के साथ साथ एक छोटी मोटी पार्टी का अरेंजमेंट तो कर ही देती। सच में हमें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, मतलब मैडम सर होती ना तो ये नया साल इसे सूखा सूखा तो नहीं जाने देती कम से कम। हे निठल्ली, तेरे लिए नहीं लेकिन संतोष जी सिर्फ आपके लिए ये नया साल सूखा सूखा नहीं गीला गीला बना देते हैं, सबके लिए कोल्ड ड्रिंक एंड समोसे का ऑर्डर देते हैं। टेंशन मत लो, बना देंगे ये नया साल हाई फाई, जब साथ है बिल्कुल स्पाई। हाँ मम्मा, मैं सच कह रही हूँ मम्मा, ट्रस्ट मी, न्यू ईयर की पार्टी सुरभि के घर पे ही है और मैं यहीं पे हूँ। अरे तो अंदर पार्टी चल रही है ना, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए बाहर आई। अच्छा ठीक है, लेकिन देख किस पे ज्यादा भरोसा मत करना और किसी अनजान इंसान के हाथ का कुछ खाना पीना मत। मम्मा। और सुन, अकेले मत आना, अपनी किसी सहेली को बोलना, तुझे घर तक छोड़ देगी या फिर हमें फोन करना, मैं तेरे पापा को भेज दूंगी, वो तुझे लेने आ जाएंगे। मम्मा प्लीज आप चिल करो, आप ना 90s के पेरेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हो, पता है आपको? मम्मा इट्स 2021। अरे चलता फिरता शहर है, जंगल थोड़ी ना है कि कोई भी जानवर आके मुझे खा जाएगा। बेटा जानवर सब में होता है, बस सही मौका चाहिए उसे बाहर निकलने के लिए, समझी? ओ अभी कैब ड्राइवर ने मेरी कैब क्यों कैंसिल कर दी? अरे मम्मा मम्मा मैं बाद में बात करती हूँ। अरे बेटा सुन तो। मम्मा नहीं 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 प्लीज अभी नहीं, चलो तो बाय 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 बाय। ये लड़की भी ना फोन कट कर दी। हाँ सर भी। मैडम कैब चाहिए क्या? आई एम रेडी है, रेडी है। बस मुझे निकलना होगा, अरे बहुत लेट हो जाएगा फिर। हाँ बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी अभी। मस्त थी ना पार्टी, आइडिया किसका था? मेरा।
आप लोग? अरे ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप लोग? विलेंस। चलो 10-20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। बैठे बैठे हमारी कमर भी अकड़ गई है ना? कमर तो मेरी भी अकड़ गई पुष्पा जी, है ना? हाँ। तो थकान भगाने का हमारे पास एक बहुत नायाब तरीका है। हे, क्या? बिल्ले जा लेकर आ। 12 से पहले बस जाओ। ओके माँ। पुष्पा जी, बिलोटे से काम मंगा दिया। बताते हैं करिश्मा जी आइए, आइए मीरा जी आइए, आइए आइए। ये देखो संगीत, मन की शांति के लिए संगीत से अच्छा दूसरा कोई इलाज नहीं है। देखो रात भर काम तो करना ही है, तो क्यों ना काम के साथ साथ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ा नाच किया जाए। बिल्ली लगाओ गाना, लगा। चुप करा इसे, हाथ बांध इसे। समीर, हाँ? लखनऊ से निकलने में कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे। किसी सुनसान रास्ते पे रोकना, इसको बांध के डिक्की में डाल देते हैं। अबे कहीं चेकिंग वेकिंग हो जाएगी ना तो फंस जाएंगे यार। सुन एक काम कर, आगे से राइट ले ले, वो राजा रोड का कच्चा रास्ता है ना, वहीं चल ले। पकड़ इसको। डिक्की में तो डाल दिए, लेकिन अब आगे क्या करना है सोचा किसी ने? अड्डे पे ले चलते हैं और क्या, भीमा भाई को फिरौती की रकम नेगोशिएट करने में 2-3 दिन तो लग ही जाएगा, तब तक इसको अपने पास रखना होगा। ये भी सही है यार, अपना न्यू ईयर भी बन जाएगा। बहुत कम बची है, मुझे जल्दी ही हेल्पलाइन पे कॉल करके मदद मांगनी होगी। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आप? हेलो 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 हेलो, महिला पुलिस थाना कौन? मुझे बताइए। डिक्की में इन लोगों ने इन लोगों ने एक मिनट, बंद करो ये, बंद करो बंद करो बंद करो। हाँ, क्या बोल रही थी तुम? इन लोगों ने मुझे गाड़ी के डिक्की में बंद करके रखा है। प्लीज मुझे बचा लीजिए। कौन लोग किसकी बात कर रही हो तुम? मैं मुझे नहीं पता ये लोग कौन है। बस ये तीन लोग हैं। कौन तीन लोग? नहीं जाती मैं, इन लोगों ने मुझे किडनैप करके रखा है। मुझे वो बबल्स क्लब से उठाया है। अभी 15-20 मिनट पहले बबल्स क्लब का सीसीटीवी फुटेज निकालो, आधे घंटे का जल्दी, और उनको तुरंत बताओ। हेलो, हाँ चीतू, तुम गाड़ी निकालो। हाँ सुनो, तुम घबराओ मत, तुम सबसे पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? त्रिशा गुलाटी। त्रिशा देखो, तुम्हें घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। हाँ बस तुम हमें ये बताओ कि तुम हो कहाँ पे? मुझे नहीं पता ये लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप प्लीज मुझे बचा लीजिए। देखो त्रिशा, थोड़ा धीरे बोलो वरना किडनैपर्स को पता चल जाएगा कि तुम फोन पे बात कर रही हो। जल्दी से कॉल कॉन्फ्रेंस में डालो, हमको कनेक्ट करो, और फुटेज मिले तो हमें अपडेट करना। पुष्पा जी आप इसके साथ रहेंगे, ठीक है? और आप हमारे साथ मगर हुआ क्या है बताइए। नहीं, अभी नहीं बता सकती, बाद में बताएंगे, अपडेट कीजिए।
मीरा फटाफट गाड़ी के ब्लूटूथ से हमारा फोन कनेक्ट करो जल्दी। डन। त्रिशा आवाज आ रहा है? हाँ आ रही है, आ रही है। संधु लाइन पर हूँ मैडम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। त्रिशा अच्छा तुमने उनका हुलिया देखा था, वो कैसे दिखते हैं कुछ हमको उनके बारे में बता पाओगी? नहीं मैम, उस आदमी ने जिसने मुझे खुद को कैब ड्राइवर बता रहा था उसने मास्क पहना हुआ था और तब मुझे अपने फ्रेंड का वीडियो कॉल आ गया तो मेरा ध्यान नहीं गया उसकी शक्ल पर, मुझे ख्याल भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। माँ किस्मत देखो, इनका भी आधा घंटा पेट्रोलिंग पे निकले थे हम, अगर थोड़ा आगे पीछे होता ना तो ये हादसा ही नहीं होता। कैसे भी करके हमें उन तक पहुँचना है, एक लड़की की इज्जत का सवाल है। इज्जत मतलब मान सम्मान स्वाभिमान, जान जाए पर इज्जत ना जाए। राइट, इज्जत इंसान के लिए सब कुछ होती है, इज्जत से बड़ा इंसान के लिए और कुछ नहीं होता, और लड़की के लिए इज्जत तो सब कुछ होती है। अच्छा त्रिशा तुम्हारे सामने उन्होंने कुछ तो बात किया होगा, कुछ ऐसा बात कुछ ऐसा लिंक जो हमें उस तक पहुंचा सके, जो हमें कुछ भी ऐसा कुछ याद करो, कुछ उन्होंने तुम्हारे सामने से कुछ बात किया था? समीर लखनऊ से निकलने में कम से कम एक घंटे लग जाएंगे यार। हाँ मैम याद आया, उनमें से एक लड़का बोल रहा था कि लखनऊ से बाहर जाने के लिए कम से कम एक घंटा लगेगा, ऐसा कुछ मैंने सुना था। इसका मतलब वो लखनऊ से बाहर निकलने का सोच रहे हैं। लेकिन मैडम ये जो बबल क्लब है तो हजरतगंज में आता है, और हजरतगंज शहर का सेंटर पॉइंट है, और वहाँ से कहीं भी जाना हो फैजाबाद रोड, अलाहाबाद रोड, कानपुर रोड, हर जगह शहर की सीमा क्रॉस करने में एक घंटा ही लगेगा। इसका मतलब वो शहर की सीमा कभी भी पार कर सकते हैं, हमें उनको दबोच रहे हैं, उस लड़की की इज्जत का सवाल है, हमें उनको बचाना है कैसे भी करके। संतु लोकेशन पता करो जल्दी, कितना टाइम लग रहा है? जी कितना टाइम लगेगा। कोशिश करो जल्दी करो और हमको बताओ, हमें अपडेट करो जल्दी। मैडम, हमारी बेटी शायद किसी मुश्किल में है। त्रिशा नाम है उसका। त्रिशा गुलाटी? हाँ, त्रिशा गुलाटी है, क्या आप उसे जानती हैं? देखिए उसकी फ्रेंड सुरभी का फोन आया था, उसने कहा वो लोग वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे थे और अचानक से पीछे से कोई आवाज आई और फोन स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद से उसका फोन नहीं लग रहा है। मैडम प्लीज बताइए ना मेरी बच्ची कहाँ है। जी त्रिशा का अपहरण हुआ है। देखिए मगर घबराने की कोई बात नहीं है, हमारी ऐसा है करिश्मा मैडम जो है ना वो लगातार फोन पे कांटेक्ट में है उनके साथ, उसे ढूंढने निकली है वो। फोन पर है, मेरे भी बात करवाइए मेरी बच्ची से। जी आई आई करिश्मा जी। हाँ त्रिशा के माँ बाप यहाँ उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, त्रिशा के साथ बात करना चाहते हैं, हो सकती है बात? हाँ कनेक्ट करो लेकिन उनको बोलो जल्दी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं कनेक्ट कर रही हूँ मैडम। हेलो त्रिशा। मम्मा प्लीज मुझे बचा लो, फिर चाहे ना आप मुझे डांट लेना, मुझे मार लेना, पर पहले प्लीज मुझे बचा लो, यहाँ से निकालो मम्मा। हम आ गए बेटा, तुम बहादुर बच्ची हो ना मेरी, बस हिम्मत से काम लो बेटा। पापा मुझे वाटर लग गया पापा, ये लोग काले थे, मुझे नहीं पता। आप ना हिम्मत से काम लीजिए, अगर आप ऐसा रोना थोड़ा करेंगे तो फिर उसका हिम्मत टूट जाएगा, आप समझ ले। हम आपसे बाद में बात करते हैं, और आप बिल्कुल टेंशन मत दीजिए, आपकी बेटी एकदम सही सलामत हम आपको वापस ला के देंगे, हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा कहाँ तक पहुँचे, कहाँ जाए, किधर होंगे ये लोग, कहाँ से उनको पकड़े, कहाँ से दबोचे उनको, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। मैं पता लगा सकती हूँ कि गाड़ी कौन सी है? तो अभी तक क्या मुँह में दही जमाया हुआ था तुमने, बोलो जल्दी कहाँ से कैसे पकड़ सकते हैं? त्रिशा मैं ASI मीरा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या सुन पा रही हूँ? Say it loud and clear. क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ सुन पा रही हूँ। Okay. तुम्हारी हाइट कितनी है? पाँच फीट सात इंच। Okay. डिक्की की लेंथ और हाइट बताओ। डिक्की एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं आ रहा मुझे कुछ। अंदाजा बताओ। तुम गाड़ी के अंदर लेटी हुई हो, तुम्हारे पैर कितने मुड़े हुए हैं? एक फीट। Okay. ओके, अब ऊपर देखो। ऊपर क्या देखो, सब अंधेरा है। छत को छूकर देखो और बताओ कि डिक्की की छत की ऊंचाई कितनी है। ओके, एक फीट है शायद। ओके,
विक्की के साइज के अकॉर्डिंग ये ना तो एक एसयूवी है और ना कोई छोटी कार। तो क्या है ये? ये एक सेडान है। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, गुड जॉब। थैंक यू। पानी पीजिए। क्लब की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है मैडम। बढ़िया संतू, तुम जल्दी से चीते को भेजो, हम देखते हैं। हाँ चीते के फोन में ऑलरेडी भेज दिया मैंने। चीते दिखवाया? हाँ मैडम। ला दिखा, दिखा, दिखा। जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख रही होंगी मैडम, क्लब के पार्किंग लॉट में 3 सेडान गाड़ियां हैं। अब हर एक को जूम करके उनकी नंबर प्लेट जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत अंधेरा है। 2 सिल्वर और 1 व्हाइट। इसका मतलब है इतनी सीमित गाड़ियां जो हमको ढूंढनी। पर सवाल ये है कि ऐसे लखनऊ शहर में तो कितनी सिल्वर रेड और व्हाइट गाड़ियां किस किस को ढूंढेंगे, कैसे पहुंचेंगे इन गाड़ियों तक, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क। देखो त्रिशा, डरने का कोई बात नहीं है, हमने ना तुम्हारे माँ बाप को जवान दी है और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे, हम उनको दबोच लेंगे आके। बस तुम बिल्कुल भी मत डरना, तुम्हें बहुत एक मजबूत लड़की की तरह अभी तुम्हें बिल्कुल भी हौसला नहीं खोना है, तुम्हें फाइट करना है। ये जो सिचुएशन है ना, तुम्हें इससे फाइट करना है और इसमें हम तुम्हारे साथ हैं। तुम घबराओ मत। हाँ गाड़ी रुक गई है। रुक गई है? अरे हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम एक काम करो, उनका आवाज सुनो, बात सुनने का कोशिश करो कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। हाँ सुनो। मैम सिर्फ 4% बैटरी है, 4% बैटरी है। तुम फिर भी सुनो। तुम सुनो वो क्या बात कर रहे हैं, बस वो सुनो तुम। अरे यहाँ क्यों रोक दी? अरे भूख लगी, कुछ खा के चलते ना। तो यहाँ का कबाब पराठा बड़ा खतरनाक बनता है, आगे तबीयत हरी ना हुई तो कहना। अरे तू भी ना यार, ये कोई खाने का टाइम है? पीछे डिक्की में लड़की है, पकड़े गए तो? ए यार कितना फट्टू है ये, लड़की डिक्की के अंदर है और रस्सी से बंधी हुई है, कैसे पकड़े जाएंगे? चल। अरे लेकिन। अरे चल ना। हाँ भाई, 3 प्लेट कबाब पराठा और बिरयानी और 2 बोतल पानी। सुनिए सुनिए सुनिए, सब भाइयों और बहनों को सूचित किया जाता है। मैं कोई लाउड स्पीकर पे कुछ बोल रहा है, कुछ अनाउंसमेंट सा लग रहा है। ये भी बहुत अच्छा है, तुम सुनो उस अनाउंसमेंट में वो क्या कह रहे हैं। वो कोई जगह बता रहे हैं, कोई आसपास के एरिया का बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, बस हमें वो बताओ। यहाँ आपके इलाके में ये हमारी नई केमिस्ट शॉप खुली है, नया साल भी शुरू हो रहा है, हमारी तरफ से आप सभी को डिस्काउंट दिया जा रहा है। मैम ये कुछ मेडिसिन का डिस्काउंट हो, मेडिसिन पे कोई। बहुत बढ़िया, तुम सुनो आसपास मेडिकल स्टोर किस एरिया में, कुछ देखो वो क्या बोल रहे हैं। तुम सुनो 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 तुम सुनो। याद रखिए, संडे कबाब जंक्शन के ठीक सामने। मैम संडे कबाब जंक्शन की मैया का। अगर हमारा अंदाजा ठीक है ना, तो ये लोग खाने पीने के लिए रुके हैं वहाँ, और ये सही मौका है उनको दबोचने का और उसको उनके जॉल से निकालने का। मीरा, वो एरिया अमीनाबाद चौकी के अंडर में आता है, वहाँ पे फोन करो और उनको बोलो कि हमारी SHO से बात कराए अभी तुरंत तुरंत। ओके। क्या हुआ बे, तेरे थोबड़े पे 12 क्यों बजे हैं? पता नहीं यार, मेरी गट फीलिंग मुझे कह रही है कि हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। यार मेरी बात सुनो, हम लोग यहाँ से चलते हैं ना यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। यार इसको समझाना, फिर से शुरू हो गया इसका। नहीं यार मेरी बात सुनो ना, तुम लोग, हम लोग लड़की को पहले फार्म हाउस पहुँचा देते, उसके बाद जो खाना है जो पीना है हम करेंगे ना यार। मैं तो कहता हूँ हम तीनों भाई मिलकर पार्टी करेंगे, लेकिन अभी यहाँ से चलते हैं प्लीज। पका मत, पराठा खा, दारू पी, चिरमा, ज्यादा मूड खराब करेगा ना, तुझे भी बंद कर दूंगा डिग्गी में लड़की के साथ।
अबे इसकी तो मौज हो जाएगी। ये ट्रैफिक। मैडम अमीनाबाद पुलिस चौकी को फोन मिल गया है, बात कीजिए। हेलो हेलो, हम एसआई करिश्मा सिंह बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? कांस्टेबल नत्थु प्रसाद बोल रहे हैं मैडम। जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। अपना थाना प्रभारी से बात कराइए अभी। जी नहीं साहब, तो मौका है, वारदात पर गए हैं। बेगम मार्केट में किसी ने नए साल की पार्टी में गोली चला दी। साहब वही गए हैं स्थिति को नियंत्रण करने, और चौकी स्टाफ भी उनके साथ गया है। हम अकेले हैं ड्यूटी पर मैडम। ठीक है ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, फोन रखिए। हेलो मैम, आप आए ना? मैम आप आ रही है ना? हाँ हमारे हम तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे। त्रिशा वैसे तो उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर हमारे पहुंचने से पहले गाड़ी स्टार्ट होता ना तो हमको तुरंत तुरंत बताओ। हाँ नहीं तो हम पहुंच ही रहे, हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे, अभी बस आने वाले, तुम टेंशन मत लो। ओके ओके ओके। चलो एक बात कहें, यार बड़ी भूख लगी है। अभी तो इतना कुछ खाया है, फिर से भूख लगी? अबे वो पेट की भूख थी, ये किसी और चीज की भूख है। बड़ा अजीब सा जानवर है, कितना भी खिलाओ भूखा ही रहता है। देर किस बात की है, फार्म हाउस चलते ना। चलो चलो। मैम गाड़ी स्टार्ट हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, उनको निकलने दो, लेकिन तुम ना अपना कान लगा के रखो कि वो क्या बात कर रहे हैं, उनका बात सुनने का कोशिश करो। हाँ और हमको बताओ। अरे रुक यार। क्या हुआ भाई? यार मेरा फोन छूट गया शायद। यार अरे तेरा ध्यान किधर रहता है? कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे ले गाड़ी। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। मैं जाना फोन लेके आ। चल जा। हेलो मैडम। हाँ क्या हुआ? मैडम गाड़ी फिर से रुक गई। हाँ फिर से रुक गई, इसका मतलब वो लोग वहीं आसपास होंगे। इसकी मैया का ये नहीं छूटेंगे, इनको तो दबोच के रहेंगे हम आज। करो ना सिल्वर गाड़ी, स्कैन करो ना। ओके। ओ भाई भाग 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 भाग, पुलिस 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 भाग 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 भाग। वो रही सिल्वर सेडान जो मूव कर रही है। इसकी मैया का चलो। Thank you.
शर्मा, तुम टीन के डब्बे जैसा ही काम करोगी। क्या कहा था, कहाँ लेकर आई हो, क्या है ये सब? आपने जो कहा था मैंने वही किया। आपने कहा था एक मूविंग सिल्वर सेडान को ढूंढना है, मैंने ढूंढी। अब वो सही है या गलत, ये आपका आउटलुक है। मोबाइल हम तुम्हारे पास आएंगे। हम इस संतु लखनऊ से फटाफट हमारा कॉल कनेक्ट करो और हमारी आरजी से बात कराओ जल्दी। अब पुलिस का काम करेगी पब्लिक। अब नए साल में पब्लिक और पुलिस का ये जुगलबंदी एक इतिहास रचेगा। जल्दी कनेक्ट करो हमारा कॉल। मैडम, हाँ, मैंने अभी अपनी मेमोरी रिवाइंड करके देखा। वहां से कुछ फासले पर एक और सिल्वर सेडान थी जिसने लेफ्ट लिया था। अब माफ कीजिएगा भाई साहब, आप जा सकते हो। अब तुम कब बताओगे ये? चलो चलो जल्दी। हेलो। जी हेलो, हम SI करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। हमें ना आपका बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी एक अपहरण हो गया है, एक लड़की को गाड़ी में ले जाया जा रहा है। हमें उसको बचाना है, उन गुंडों तक पहुंचना है, उनको धर दबोचना है, और एक लड़की की इज्जत का सवाल है। हम चाहते हैं आप हमारा मदद कीजिए। आप हमारा मदद करेंगे? जरूर, बताइए आपके लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, तो जो भी RJ अभी ऑन एयर है ना, उनसे बात कीजिए, हमें कनेक्ट कीजिए, और हमें लाइव आना और अभी जनता से बात करनी। ओके, हम अभी आपको लाइव ऑन एयर कनेक्ट करते हैं। जी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ऑन एयर हैं। पुष्पा जी। हाँ। करिश्मा मैडम FM पे कुछ बोल रही हैं। हाँ। सभी सुनने वाले को हमारा प्रणाम। हम SI करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। कुछ ही टाइम पहले हमारी SHO हसीना मैडम ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक अकेली लड़की हमारे समाज का जिम्मेदारी होती है, मौका नहीं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के भेजे में ये बात नहीं घुसा है। जी हाँ, हमारे शहर से हमारे समाज की एक लड़की का अपहरण हुआ है। उन लोगों ने एक सिल्वर कलर की सेडान में उस लड़की को डिगी के अंदर बंद करके रखा हुआ है, जो आखिरी बार कबाब रेस्टोरेंट के पास देखी गई थी। अगर आप हसीना मैडम की ये बात मानते हैं, कोई भी माँ, कोई भी बहन, किसी की भी बेटी, वो हमारे घर की इज्जत है। अगर आप चाहते हैं कि हर एक लड़की को एक सुरक्षित माहौल मिले, वो किसी भी गली, किसी भी नुक्कड़ पे जाए, उसको लगे कि मैं एक शहर में नहीं, अपने परिवार में घूम रही हूँ, अगर आप उसे ये माहौल देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो लड़की ये कहे कि मैं एक शहर में नहीं, मैं एक परिवार में रहती हूँ, जहाँ मेरे पीछे एक हाथ नहीं, 1000 हाथ है, अगर आप ऐसा सुरक्षित माहौल उसको देना चाहते हैं, तो आज वो समय आ गया है कि हम वो साबित करके दिखाएं। हे शिव जी, अब बस आप ही का सहारा है। करिश्मा मैडम ये जो ऑन एयर बोल रही है, वो कमी नहीं ना सुन ले। जैसी आपको सिल्वर सेडान दिखती है, आप उसका नंबर नोट करें और हमको कॉल करें, तुरंत कॉल करें, और हम उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। एक अकेले हम नहीं, हम सब। आज बहुत सुना है हमने, बहुत पढ़ लिया, बहुत देख लिया, लेकिन आज वो टाइम आ गया जब हम एक लड़की की इज्जत बचाए, और इसमें हमें आप सबका साथ चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारा साथ देंगे। जय हिंद। जय हिंद। देखा, ये है हमारी बहुरानी। हमारे लल्ला के तो भाग ही खुल गए। दीपक। हाँ। बची हुई बनाना। बना। बचा लेंगे तुमको त्रिशा, कुछ नहीं होने देंगे हम तुमको। हसीना मैडम होती तो वो भी क्या करती? ऐसे बौखला कर, संयम खोकर पागल हो जाती, या फिर
शांत होकर एकाग्र होकर इस मुश्किल का रास्ता खोजती। कोई भी मुश्किल कभी अकेले नहीं आती, हमेशा अपना हल साथ में लेकर आती है, बस उसे समझने की देरी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि हर चीज का इलाज है जज्बात। गाड़ी ना छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर से गुजर रही है, क्योंकि कंटिन्यूस वैसे ही झटके खा रही है। मैडम लगता है स्पीड ब्रेकर ही है। हेलो हेलो त्रिशा, त्रिशा बोलो। इसकी भैया छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर, छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर कहाँ हो सकते हैं? शहर से बाहर जाने के रास्ते पे कहाँ हो सकते हैं? कानपुर हाईवे पर। नहीं नहीं नहीं, हाईवे पर कहाँ स्पीड ब्रेकर होता है? नहीं नहीं नहीं, दिल्ली आगरा रोड, उसमें छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स हैं। नहीं, वहाँ क्यों जाना है? हमें तो ये सोचना है कि लखनऊ के बाहर जाने वाले रास्ते पर छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स कहाँ हैं। हाँ, वही होते हैं, मतलब जहाँ आसपास धर्मस्थल, स्कूल, अस्पताल और रेलवे क्रॉसिंग होते हैं, वहीं पे होते हैं। तो मुझे जितना पता है, मतलब लखनऊ से बाहर जाने वाले रास्ते पर धर्मस्थल, स्कूल, अस्पताल ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो बचा क्या? रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे फाटक। रेलवे फाटक तो एक ही रास्ते पर है, चंद्रपुर रोड पे, और वो यहाँ से 1.35 किलोमीटर के फासले पर है। चलो जल्दी चलो, भगाओ 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 मेरा भगाओ। हाँ हाँ सर, तू बोलो बोलो बोलो। एफएम पर सुनकर एक कॉलर ने रायबरेली हाईवे पर रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग के आगे एक सिल्वर सेडान आइडेंटिफाई की है। वो फास्ट जा रहा था, इसलिए फॉलो नहीं कर पाया। नहीं नहीं नहीं, इस कॉलर से तो डबल चेक हो गया ना कि हमारा जो टारगेट है वो आइडेंटिफाई हो चुका है। वही सेडान है, वही सेडान है ये। चलो मिलो, चलो फास्ट। नमस्ते साहब। नेट कॉल नहीं खोल सकता साहब। क्यों बे, क्यों नहीं खोल सकता? चाबी नहीं है साहब। कहाँ है चाबी? वही तो नहीं मिल रही है साहब, पता नहीं कहाँ खो गई है, सुबह से ढूंढ रहा हूँ साहब। तेरी तो चाबी नहीं, ऐसे करता है नौकरी, अब क्या करेंगे हम लोग? अब खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहा है, जाके किसी चाबी बनाने वाले को बुला के ला। दफा हो। ओके, अब क्या करें? अबे करना क्या है यार, वो साइड में छोटा वाला गेट है ना, हाँ? लड़की को डिक्की से निकाल के वहीं से ले जाते हैं ना। चलो डिक्की खोल यार, किसी ने देख लिया तो? कोई दिखाई दे रहा तुझे आसपास? चारों तरफ तो सन्नाटा पसरा पड़ा है, कौन देखेगा हमें? यार तू डिक्की खोल। अबे इसने तो रस्सी खोल रखी है, तीखी मिर्ची निकली है तो भाई बड़ा मजा आएगा खाने में। आई लाइक मिर्चीज। मेरा रुको, पीछे हटो। रुक जा, मैडम को कुछ नहीं होगा।
थैंक यू। करिश्मा सिंह, हम सब जानते हैं आपने जिस समझदारी, बहादुरी, संयम से इस केस को सॉल्व किया है ना, उस बच्ची को बचाया है, इसके लिए हसीना मलिक की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। अरे भाई, इस केस में हमें करिश्मा सिंह तो कहीं दिखाई ही नहीं दी। इस पूरे मामले में लगा जैसे हसीना मलिक जी ही हैं। वही सूझबूझ, वही ठहराव, वही समझदारी, अब इसके लिए इसका पूरा श्रेय हसीना मलिक को ही तो देना चाहिए। जी सर, बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है इस बात का कि हम हसीना मैडम का परछाई बन पाए। तो आप लोगों को एक बार फिर से इस सफलता के लिए बधाई देते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और आने वाले पुलिस डिपार्टमेंट के पुरस्कार समारोह में करिश्मा सिंह का नाम जरूर शामिल किया जाएगा। धन्यवाद 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 सर। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या बात है, शब्द नहीं है मेरे पास आपको थैंक यू कहने के लिए। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ अपना ड्यूटी निभाया है। सच कहे तो इस केस का श्रेय जो है वो हमको नहीं, हमारी एसआई मीरा को जाता है। अगर एसआई मीरा नहीं होती, इनका सपोर्ट हमको नहीं होता, तो आज अभी इस वक्त हम यहाँ इस केस की कामयाबी का बात नहीं कर रहे होते। तो एसआई मीरा, बहुत बढ़िया काम किया है आपने, धन्यवाद। वो क्या कहते हैं आपकी अंग्रेजी में, गुड जॉब। आपसे ही सीखा है दैट हग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। आपने मेरी तारीफ की, मुझे अच्छा लगा, इसलिए हग करके एक्सप्रेस किया। मीरा जी, गुड जॉब, गुड ट्राई। धन्यवाद मीरा। हम आपसे और आप जैसी सभी लड़कियों से एक बात कहना चाहते हैं। आप सभी लोग अपने फोन पे दुनिया भर का ऐप डाउनलोड कर लेती हैं, पर एक SOS नाम का ऐप डाउनलोड कर लेना तो बढ़िया हो जाएगा। संतु जी, इस ऐप से हमारे घर वालों को हमारी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता रहता है। कभी कोई भी इमरजेंसी हुई तो फोन में बस एक बटन ही दबाना होता है। भगवान ना करे कभी ऐसी इमरजेंसी या ऐसी कोई प्रॉब्लम दोबारा आए, बट अगर ऐसा हो तो आपके फैमिली वाले और हम पुलिस सही वक्त पर आकर आपकी हेल्प कर सकें। बिल्कुल, ये ऐप मैं अब भी डाउनलोड करूंगी। बहुत बढ़िया। मैडम जी, हमारे लिए तो इस नए साल में आप लोग फरिश्ता बनकर आए हैं। और आप ही नहीं, देखा जाए तो आप जैसे पुलिसकर्मी आम जनता के लिए फरिश्ता ही है। जब सारी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी रहती है तो उस वक्त आप पुलिसकर्मी हमारी सेवा में तैनात रहते हैं। बिल्कुल, लोग बिना डरे बिना किसी परेशानी के न्यू ईयर सेलिब्रेट कर पाए, इसलिए आप अपना घर अपनी फैमिली सब छोड़कर बस यही ड्यूटी में लगे रहते हैं। औरों का तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों के इस त्याग और निष्ठा के लिए हम जरूर आप लोगों के लिए सैल्यूट करना चाहते हैं।